विकास भवन में पहले श्रमिक जनता संघ द्वारा नए श्रम कानूनों के खिलाफ ज्ञापन दिया, उसके पश्चात किसान संघर्ष समिति के बैनर तले तहसीलदार महोदय को तीन काली कानून को वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया। इसके बाद महू नीमच राजमार्ग का सांकेतिक जाम किया। जिस तरह मोदी सरकार किसानों के ऊपर जबरदस्ती तीन काले कानून थोप रही, जिसके चलते किसानों ने 6/2/21 को पूरे देश में चक्का जाम किया। किसानों के समर्थन में सेंचुरी डेनिम 17 के वर्करों ने भी, श्रमिक जनता संघ ने भी चक्का जाम कर पूरा सहयोग दिया। एक तरफ तो बंगाल में बीजेपी के नेताओं की रैलियां चल रही, जिसमें नेताओं का फूलों से स्वागत होता, दूसरी तरफ मोदी जी के तीन काले कानूनों की वजह से दिल्ली में आंदोलन पर बैठे किसानों पर लाठी डंडों से स्वागत किया जा रहा। यही है मोदी जी के अच्छे दिन। देश लहलहा उठे, भारतीय गा उठे, देश लहलहा उठे, भारतीय गा उठे, विश्व में आवाज है। आज तीनों किसान बिल के खिलाफ जो 72 से दिल्ली के आसपास डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जो 500 से ज्यादा किसान संगठनों का समूह है, उसने आह्वान किया था कि पूरे देश भर में इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए हम चक्का जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसी के तहत इंदौर संभाग के तमाम मजदूर और किसान साथी आज यहाँ पीथमपुर में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर हमने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया, रैली निकाली और सांकेतिक चक्का जाम करने किया। हम चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार जो चुप बैठी हुई है, किसानों की मांग को मान नहीं रही है, वह तीनों किसान बिल वापस ले, क्योंकि इन तीनों किसान बिल से खेती और किसानी तो बर्बाद होगी सही, साथ ही जो लोगों की समस्या है, राशन व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जमाखोरी बढ़ेगी और एक बिजली बिल 2020 आ रहा है, उससे बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि कारखाना तो क्या, घर के लोग भी बिजली जलाने से डरने लगेंगे। तो इन तीनों बिल और बिजली बिल 2020 की वापसी की हम मांग करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर जनता श्रमिक संघ के लोग हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग हैं, खेत किसान मजदूर संगठन के लोग हैं, पीतमपुर के मजदूर साथी हैं और किसान संघर्ष समिति के लोग हैं। हम सब लोग मांग करते हैं, इस प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, तीनों बिल वापस नहीं लिए, बिजली बिल 2020 रद्द नहीं किया, तो यह आंदोलन और व्यापक होगा और देश भर के मजदूर किसान इसमें भागीदारी करेंगे। आपका नाम और पद बताइए। रामस्वरूप मंत्री, किसान संघर्ष समिति मालवा निमाड़ का संयोजक। खबर भारत वर्ष के लिए पीतमपुर मध्य प्रदेश से सुरेंद्र जमरे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।